वो दिखा दीजिए। कहाँ ले आई यार, तुम्हें पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। तुम चुप करो ना। हाँ ये लीजिए मैम। बे ये नहीं, अब मैं बड़े वाला। अच्छा अभी दिखाता हूँ। क्या कर रही हो यार तुम? तू बोल रही सिर्फ कान का लूंगी या नाक का लूंगी, बड़े वाला हार मंगा रही हो? अरे यार तुम चुप करके बैठ नहीं सकते होगा, जी 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 करते रहते हो। मुझे कुछ लेने दोगे? मैं अपना देख लूंगी। हाँ ये वाला। अब क्या प्राइस है इसका? ये 2 लाख का। 2 लाख? भैया अगर मैं ये पुरानी ज्वेलरी बेचती हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मैम इसके लिए आपको ना वेट करना पड़ेगा, इसका वजन करता हूँ मैं। अब ऐसे क्या देख रहे हो? कौन से तुम्हारी माँ ये ज्वेलरी को अपनी छाती पे लेके मरेगी? इसके बदले अगर मुझे कुछ नया मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैम हो जाएगा, बस 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक्सचेंज में। 10,000? ठीक है ऐसे दो, आप ही पैक कर दीजिए। ठीक है। अरे ये हार वहाँ टेबल पे पड़ा था, तुमने पहना नहीं, आज तो पहन लो कम से कम, एनिवर्सरी है आज। मुझे नहीं पहनना। क्यों? अरे तुमने इतना जिद करके लिया, आज पहनना था तो पहनो ना इसे। तुम्हें ट्यूमर है? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें ट्यूमर है, और वो माँ की पुरानी ज्वेलरी तुमने इसीलिए निकाल के रखी थी कि ताकि तुम उससे इलाज करा सको, और जब वो मैं बेच रही थी तब भी तुमने एक बार भी नहीं बोला। तुम्हें किसने बताया? मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी लंच लेने। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी। ये लंच बॉक्स ना अपने सर को दे देना, वो घर भूल गए थे। भाभी जी वैसे सर के बारे में सुन के ना बहुत बुरा लगा। क्यों क्या हुआ? अरे आपको नहीं पता क्या, सर को ट्यूमर है। तुम्हें कैसे पता? भाभी जी पूरे स्टाफ को पता है यहाँ पे तो। ये हमारे साथ क्यों हुआ? देखो यार तुम रो मत, अब जो हो गया सो हो गया ना, कोई बात नहीं, चलता रहता लाइफ है। मैं ना अपना इलाज पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल के करा लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो तुम रो रही हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। अब देखो आज एनिवर्सरी है ना हमारी, तो डिनर करने चलते हैं, तुम पहनो ये हार फटाफट चलो। ये हार मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, फैमिली इम्पोर्टेंट है, और हम इस हार को कल ही बेच के आएंगे और तुम्हारा इलाज कराएंगे।